मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेके हैं और ये सभी पर्सन एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही रोज़ाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेज मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ कब किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आप लोग याद कर लीजिएगा कि राजस्थान के अंदर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था। यह 2015 में किया गया, डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 13 दिसंबर 2015 को। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है। स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ करने वाला जो राजस्थान है वो देश का कौन सा राज्य बना था, तो तीसरा बना था। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि भारत का तीसरा राज्य बना था आरंभ करने वाला, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, राज्य सरकार द्वारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कब स्वीकृत किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार द्वारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की शुरुआत कब की गई, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में ईमानदारी से बताना कि 25 में से आपके कितने सही हुए, इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट कीजिएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत जो कि 2011 में की गई और ये 15 अगस्त 2011 में, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कह के संबोधित करती है। भरतपुर की जो जनता है वो किसे शेर ए भरतपुर कह के बुलाती है, तो गोकुल जी वर्मा को, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि कब की थी, किस सन के अंदर जो है ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि की थी। 1860 में की थी, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, राजस्थान राज्य के गठन के बाद 1 जनवरी 1956 को राज्य के कितने जिले थे। राजस्थान राज्य के गठन के बाद 1 जनवरी 1956 को राज्य में कितने जिले थे, तो 26 जिले थे, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। आप लोग याद कर लेना, सीधा सा एग्जाम पूछा जाएगा कि 1 जनवरी 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे, तो 26 जिले थे। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन किस रियासत के शासक का है। मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन किस रियासत के शासक का है, तो ये बांसवाड़ा के रियासत के शासक का है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। ये लाइन बहुत फेमस रही थी और एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है। आज की वीडियो में वही प्रश्न है जो या तो एग्ज़ाम में पूछे गए या फिर आगे पूछे जा सकते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इन चारों में से, या फिर राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है जो क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में सबसे बड़ा है, तो वह राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर के अंदर है, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, राजस्थान के किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक 8 जिलों से टच होती है, 8 जिलों से लगती है। राजस्थान के किस जिले की जो सीमाएं हैं वो सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है, जोधपुर, पाली, सीकर या भीलवाड़ा, जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए, तो पाली की, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, राजस्थान राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जिनमें एक भी उप तहसील नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है, आप लोग याद कीजिएगा। राजस्थान का ऐसा एकमात्र जिला जिसकी एक भी उप तहसील नहीं है वो है पाली, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, राजस्थान में किस रियासत के हाई कोर्ट को महेंद्राज सभा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में किस रियासत के हाई कोर्ट को महेंद्राज सभा के नाम से जाना जाता था, मारवाड़, किशनगढ़, भरतपुर या मेवाड़, तो सही उत्तर रहेगा मेवाड़, ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान राज्य में कितने जिले थे। देखिए हमने बात की थी 1 नवंबर 1956 की, अब बात कर रहे हैं आज़ादी के समय राजस्थान में कितने जिले थे, तो उस समय 25 जिले थे और 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का गठन हुआ था उस टाइम 26 जिले थे, दोनों याद कर लेना, दोनों आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन को राज्य पक्षी घोषित किस वर्ष किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है राज्य पक्षी, तो आप लोग बताइए कि गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी बनी उसको दबा लीजिएगा, आपको डेली क्लासेज मिलती रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक वीडियो में आपके एक से दो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो ये समझ लीजिए कि 2 से 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो गोडाउन को राज्य पक्षी का जो दर्जा है वो दिया गया 1981 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर को, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु घोषित कब किया गया? ठीक है, राज्य पक्षी की हमने बात की थी, अब बात कर रहे हैं राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, ये भी 1921 में घोषणा की गई थी, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। याद कर लेना, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, राजस्थान के अंदर भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पे है, किस जगह पे, किस जिले के अंदर, तो गंगानगर जिले में आता है, कहाँ पे, सूरतगढ़ के अंदर, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, सूरतगढ़ तहसील में आता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो कि कौन से ज़िले के अंदर है, तो ये जयपुर के अंदर है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो कि जयपुर में, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है, तो किशनगढ़ है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, किशनगढ़ को मार्बल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, राजस्थान के अंदर अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन जो कि जोधपुर, गंगानगर, अजमेर या हनुमानगढ़, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिएगा, अंगूरों के लिए उत्पादन में कौन सा जिला फेमस है, तो ऑप्शन बी गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, राज्य का प्रसिद्ध श्री तेजाजी धाम सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, सुरसुरा सीधा सा एग्जाम में पूछा जाएगा, श्री तेजाजी धाम सुरसुरा किस जिले के अंदर आता है, तो ये अजमेर के अंदर है, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, श्री तेजाजी का जो सुरसुरा धाम है बहुत प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, राजस्थान में झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, झीलों की नगरी जो है किस सिटी को कहा जाता है, तो उदयपुर को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राजस्थान के किस जिले का मुख्यालय सर्वाधिक पाकिस्तान सीमा के नज़दीक में है, राजस्थान के किस जिले का जो मुख्यालय है वो पाकिस्तान सीमा के नज़दीक है, तो श्री गंगानगर का आता है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, निम्न में से कौन सा स्थान मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, लूणकंसर को, लूणकंसर किस में आता है, तो बीकानेर में आता है, राजस्थान का राजकोट सीधा सा एग्जाम में प्रश्न बनेगा, तो लूणकंसर को जो कि बीकानेर में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, राजस्थान में भील जनजाति के लोगों द्वारा पहाड़ी ढालों के वनों को जला के खेती करना कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं कि भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी ढालों के वनों को जला के जो खेती की जाती है राजस्थान के अंदर उसे क्या कहा जाता है, तो उसे चिमाता कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती प्रारंभ हुई थी, राजस्थान के अंदर सबसे पहले सेब की खेती कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, माउंट आबू में, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, माउंट आबू में सबसे पहले सेब की खेती प्रारंभ हुई थी राजस्थान के अंदर। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा, अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो भी आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, आपको सही उत्तर कमेंट में बताना है, और ये भी बताना है कि 25 में से आपके कितने सही हुए, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई राय सुझाव या कोई डाउट हो आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली राजस्थान जीके के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलने वाले हैं, और अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तो एग्जाम में पूछेगी या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।